आज आप जानेंगे आपकी ही समस्याओं के कुछ छोटे से समाधान। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल। बहुत ही कमाल की ये वीडियो है, आपके ही द्वारा पूछे गए आपके ही सवालों का आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। पहला स्कूल टेप मेरा रोटी से जुड़ा हुआ है। बहुत बार ये कंप्लेन होती है कि जो रोटी होती है वो नॉन स्टिक तवे में बीच में से चिपक जाती है और ठीक से पकती नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक रोटी बना के सेक के बता भी रही हूँ, बराबर से ये पकती है, बिल्कुल अच्छे से फूलेगी भी, वो भी नॉन स्टिक तवे पे। कुछ गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से नॉन स्टिक तवे पे रोटियां ठीक से नहीं फूलती है। इससे जुड़ा हुआ एक कमाल का सवाल मेरे पास आया हुआ था, इसका ही मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, जब भी आप नॉन स्टिक तवे को गैस पे रखते हैं, इसे अच्छे से प्री हीट होने दीजिए। अगर ये सिर्फ बीच में से गर्म है, साइड कॉर्नर में से ठंडा है, तो आपकी रोटी बीच में से चिपक जाएगी। चलिए दिखाती हूँ कैसे। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, इसके ऊपर मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। आपने देखा पानी डालते ही ये पानी जलने लग गया है। यहाँ पर अगर पानी नहीं जलता है या साइड कॉर्नर में जाके पानी ठंडा रहता है और इस तरीके से जल के खत्म नहीं होता है, इसका मतलब है आपका तवा ठीक से प्री हीट नहीं है। अगर आपने तवा ठीक से गर्म नहीं किया है तो रोटी ठीक से कैसे पकेगी। नॉन स्टिक तवा होता है, ये साइज में बड़े होते हैं, काफी बड़ा इसका एरिया होता है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल पाता है कि ये कितना गर्म हुआ है। तो पानी से पहले आप इसे चेक करें। नॉन स्टिक तवा साइज में काफी बड़ा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें ठीक से पता नहीं चल पाता है कि ये ठीक से गर्म है या नहीं है। तो आप पानी वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं, सबसे आसान ट्रिक है, इसे जरूर यूज कीजिएगा। नॉन स्टिक तवे की साइज बड़ी होने की वजह से हमें नहीं पता चल पाता है, जैसे कि लोहे का तवा होता है, साइज में छोटा होता है, ऊपर से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा होता है, जिसकी वजह से अच्छे से बढ़िया से प्री हीट हो जाते हैं। नॉन स्टिक तवे में पता करने में मुश्किल होती है। और रोटी को आधी तरफ से आधा रखें, दूसरी तरफ से जब आप इसे पलटें तो मीडियम फ्लेम पे रखें, इससे आपकी रोटी हमेशा फुली फुली बनी रहेगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक अगला यूजफुल टिप, जिसके लिए मुझे कमेंट किया गया था कि नारियल के तेल पे बहुत ज्यादा चींटियां आती है। लाल चींटी हो सकती है, काली चींटी हो सकती है, कैसे भी चींटियां, पर चींटियां नारियल के तेल पे बहुत ज्यादा आती है। नारियल का जो तेल होता है वो होता है मीठा, अगर आपने घर में निकाला है तो वो बिल्कुल मिलावट फ्री होता है, तो उसमें तो और भी ज्यादा चींटियां होती है। अब ऐसा होता क्यों है कि इसके ऊपर चींटियां आती है, पहला कारण तो मिठास होती है, दूसरा जब भी हम तेल निकालते हैं तो एक दो बूंद तेल इस बोतल के ऊपर आ जाता है या रह जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चींटियां इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। आपने क्या करना है, एक रबड़ लेना है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसके मुंह वाले हिस्से पे ही लगा के रखिएगा, इससे जो तेल है वो नीचे की तरफ बहके नहीं आएगा। इतने बड़े रबड़ को गीला होने में लगभग हफ्ते भर का टाइम लग जाएगा। जब तेल नीचे की तरफ आएगा नहीं तो चींटियों को कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं ऊपर आने का, क्योंकि वो मिठास की खुशबू की वजह से ही इस तेल के आसपास भटकती हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि यहाँ पर आप रबड़ को बांध दीजिए। अगर आप इस तरह के रबड़ नहीं यूज करना चाहते हैं या नहीं करते हैं तो दूसरा ट्रिक भी है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में टिश्यू पेपर होगा, टिश्यू पेपर लीजिए या नॉर्मल कोई सा भी कपड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो और ले लीजिए वेनेगर। वेनेगर हर घर में यूज किया जाता है, तो वेनेगर का आप यूज कीजिए और इस बोतल को अच्छे से वाइप कर दीजिएगा, इससे भी जो लाल चींटियां है या काली चींटियां है तेल के आसपास नहीं भटकेगी। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक आप सिर्फ नारियल तेल के लिए कर सकते हैं, कोई सा भी तेल जो भी आप खाने पीने या लगाने के लिए यूज करते हैं उन सारी बोतल के ऊपर आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी के मौसम में चींटियां बहुत जल्दी से तेल के आसपास भटक जाती है। अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से वाइप कर लीजिएगा। इस टिश्यू पेपर को आपने फेंकना नहीं है, जहां पे भी आप इस तेल की शीशी को रखते हैं उसके बेस में इस पेपर को लगा दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ काउंटर पे करके दिखा रही हूँ, टिश्यू पेपर को इस तरीके से लगा दीजिए, इसके ऊपर आप इस शीशी को रख दीजिए। इससे भी लाल चींटियां, काली चींटियां या किसी भी तरह का कोई कीड़ा इस तेल के आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकने वाला है। स्पेशल ये ट्रिक ना कुकिंग ऑयल के ऊपर ज्यादा काम करती है, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल के डिस्पेंसर होते हैं या कैन होती है उसके आसपास भी चींटियां बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटू सा हैक है पर आपको पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा कॉन्ग से जुड़ा हुआ है। डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं, यूज करेंगे तो ये गंदा भी होगा, सिर की जितनी भी गंदगी है वो सारी इसके आसपास आ जाती है। अच्छा आप भी सोचते होंगे हम तो सिर डेली साफ करते हैं, हर तीसरे दिन सिर को भी धोते हैं, तो इतनी गंदगी आती कहाँ से है।
सिर में हम आप सभी तेल भी लगाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंदगी हमारे सिर में हो जाती है। इसकी वजह से ही हमें हर दूसरे दिन सिर को साफ करना होता है शैम्पू की मदद से। फिर भी कॉन्ग में इतनी सारी गंदगी देखने को मिल जाती है। इमरजेंसी में ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अब किसी के आप यहाँ गए हैं और आप अपना कॉन्ग ले जाना भूल गए हैं तो टेल्कम पाउडर लीजिएगा, ये आपको ड्रेसिंग टेबल में जरूर मिल जाएगा। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। इसके बाद में कोई पुराना टूथब्रश ले लीजिए या कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं और अच्छे से इसके ऊपर चला दीजिएगा। आप देखेंगे इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाता है, जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं, चिपचिपाहट नहीं होती है। और अगर आप इस तरीके से स्क्रब करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इमरजेंसी में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। कोशिश कीजिएगा अपना कॉन्ग हमेशा अलग रखें, दूसरों के साथ इसे मिक्स या शेयर बिल्कुल ना करें और किसी और का कॉन्ग आप अपने सिर में मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारों के सिर या स्केल में काफी सारे डैंड्रफ हो सकते हैं, रूसी हो सकती है या कोई और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी तरह का कोई बैक्टीरिया है तो वो आपके बालों की जड़ों से चिपक के आपको भी नुकसान दे सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कॉन्ग को हमेशा सेपरेट रखें, किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। अगर इमरजेंसी में आपको किसी का यूज करना पड़ रहा है तो इस टेल्कम पाउडर वाले ट्रिक को यूज कीजिएगा और अच्छे से बढ़िया से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के डेली यूजेस वाले कॉन्ग भी क्लीन करना चाहते हैं तब भी आप टेल्कम पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसे क्लीन करते हुए आप देखेंगे काफी सारी गंदगी इस पाउडर के साथ मिक्स होकर बाहर आएगी। ये कॉन्ग काफी ज्यादा गंदा था, थोड़ा सा मुझे मेहनत गया पर अच्छे से बढ़िया से साफ हो गया। इमरजेंसी में आपको अगर किसी और का कॉन्ग यूज करने की मजबूरी आती है तो पहले पाउडर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में ही अपने बालों में अप्लाई कीजिए। अगला यूजफुल हैक मेरा व्हाइट विनेगर से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर हम इसे खाने में ही यूज करते हैं, आज मैं इसका अलग तरीके से आपको यूज करके बताऊंगी। एक ग्लास मैंने लिया है, इसमें एक चौथाई हिस्सा मैंने विनेगर डाल दिया है। हमारे घर में टूथब्रश हर कोई यूज करता होगा, यूज करते हैं, काफी सारे इसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं। इसे हमने ब्रश किया और इसी तरीके से अगर रख देते हैं होल्डर में तो आप देखते होंगे अगले टाइम अगेन अगर इसे यूज करना है तो इसपे थोड़े बहुत बैक्टीरिया डस्ट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप एक ग्लास में या किसी बंद कंटेनर में यहाँ पर विनेगर रख सकते हैं वॉशरूम में, और जब भी आपको यूज करना है या यूज कर लेने के बाद आप इस विनेगर में डीप करके रखिएगा। इस विनेगर को मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ कवर करके, जब भी ब्रश हो जाता है उसके बाद में मैं अपने ब्रश को इसके अंदर डिप कर देती हूँ ताकि ये बैक्टीरिया फ्री रहे। अगर आप इसे वॉशरूम में नहीं रखना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। आप जो टूथब्रश यूज कर रहे हैं उसको विनेगर में 1.5 से 2 घंटे के लिए डीप रहने दीजिएगा, चाहे तो आप इसी के अंदर रहने दीजिएगा, इसमें किसी तरह की कोई बैक्टीरिया या धूल डस्ट नहीं जाएगी। अगर आप ये ट्रिक दूसरे ब्रश के लिए भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक ब्रश निकाल लिया है, अब दूसरे ब्रश को हमें बैक्टीरिया फ्री करना है तो इसमें मत डिप कीजिएगा, अलग से अलग विनेगर लीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ दवाई के खाली पैकेट से जुड़ा हुआ है, या इस तरह की जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है यूज होने के बाद जिसका हम यूज नहीं करते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं अपने घर के इस चॉपर की धार लगाने के लिए। ये जो चॉपर होता है ना, इसका यूज करते रहते हैं जिसकी वजह से इसका जो धार है वो लगभग लगभग गिर चुका होता है या खत्म हो चुका होता है। तो इसको शार्प कैसे करें? अब ये ज्यादा पैसे का तो होता नहीं है, अगर ज्यादा मैं कहूँ तो ये 200 रुपए से ऊपर इसका प्राइस नहीं होता है। अगर आप इसकी धार लगवाने जाएंगे इससे पहले आपको राय दी जाएगी कि आप यहाँ पर नया चॉपर ही खरीद लीजिएगा, इसकी धार होती भी नहीं है। घर बैठे अगर आप इसकी धार लगाना चाहते हैं तो घर के एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े ले लीजिए या दवाई के जो खाली पैकेट होते हैं जो कि फॉइल पेपर से बने होते हैं उसको कटिंग कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिएगा और चॉपर को अच्छे से आप इस पे चला लीजिएगा 2, 4 या 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही बहुत हो जाता है, 4-6 मिनट में तो बहुत तीखी धार हो जाएगी। आप कम से कम 3 मिनट का टाइम दीजिएगा, अच्छे से बढ़िया चला लीजिएगा, इस तरीके से बारी बारी टुकड़े हो जाएंगे और इसकी धार भी बढ़िया अच्छे से लग जाएगी। ये भी एक बहुत कमाल का ट्रिक है। अगला यूजफुल हैक मेरा बेल्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए ये बेल्ट का यूज ना हर घर में यूज होता है, जब भी हमें कहीं बाहर ट्रेवलिंग में जाना होता है ये बेल्ट हमें साथ ले जाना होता है, पर इसे फोल्ड करे तो करे कैसे? ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में आइडिया आएगा कि हम यहाँ रबड़ का यूज करें और इसे बांध लें, पर इससे क्या होता है आपकी जो बेल्ट की साइज है ना वो खराब हो सकती है या बिगड़ सकती है। अब मैंने यहाँ पर एक तरफ इसे फोल्ड करके आपको दिखाया, अगेन मैं दूसरे तरीके से आपको इसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करने का हमारा दिमाग चलेगा कि चलिए अंदर की तरफ से इसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर भी ये ठीक से नहीं फोल्ड होता है। ज्यादातर हम इसको ठीक से फोल्ड न कर पाने की वजह से ये बैग में काफी सारी जगह ले लेता है। एक आसान सा ट्रिक बताती हूँ, इसे आप फॉलो कीजिएगा, ना रबड़ की जरूरत
पड़ेगी, ना ही किसी तरीके से किसी और चीज की आपको जरूरत पड़ेगी और ये आराम से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। जिस तरीके से बेल्ट को पहना जाता है बस इसी तरीके से आप इसे अंदर की तरफ घुमाइए और बस इसे गोल गोल इस तरीके से घुमाते जाइएगा। आपको कुछ भी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रबड़, ना प्लास्टिक, ना ही किसी तरीके से टैप का यूज करना पड़ेगा और अच्छे से ये बहुत कम जगह में बैठ जाएगा। क्योंकि हर कोई ट्रेवलिंग में जाता है तो बेल्ट अपने साथ साथ में ले ही जाता है और उसे रखने की दिक्कत होती है, तो ये ट्रिक हर किसी को पता होनी चाहिए। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, किसी ना किसी के तो ये जरूर काम आ ही जाएगी।